हेलो बच्चों आपके अपने चैनल आर एजुकेशन फाउंडेशन में आपका स्वागत है आपको यानी हम पढ़ा रहे हैं कि एन बुक तो कंप्लीट आपको एन बुक का सलूशन मिलेगा उसमें कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे बस मेरे साथ जुड़े रहे अच्छे से पढ़ते रहिए तो हम इसके पहले आपको कई लेसन पढ़ा चुके हैं तो पिछले वाले लेक्चर में हमने बता ही दिया था इसमें हम लेक्चर जो पढ़ रहे हैं कि यूक्लिड की ज्यामितीय परिचय ये हमारा अध्याय फाइव है इसके पहले हमने यूक्लिड को पढ़ लिया था कि थोड़ी सी जानकारी परिचय ले लिया था कि क्या क्या यूक्लिड ने की दिया था इसके पहले सीख भी चुके हैं और एक चीज़ और ध्यान दीजिए अगर नए व्यूवर हैं तो आपको इसी प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई प्ले लिस्ट में आप देखोगे मिल जाएगा नहीं तो आप इसी वीडियो के नीचे जहाँ पर ये लिखा हुआ है अध्याय फाइव उसे क्लिक करोगे इस पे मोर पे तो नीचे आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा और उस प्लेलिस्ट से आप क्रम वाइज जितनी वीडियो अगर आपकी छूटी है तो पीछे से आप पढ़ सकते हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है चलिए आइए हम पढ़ते हैं इसके आगे तो लेसन फाइव पढ़ रहे हैं तो हम अपने जहाँ तक पढ़ चुके थे वहाँ तक सीखते हैं कि कहाँ तक ये हमने परिभाषा पिछले लेक्चर में अच्छे से पढ़ भी चुके थे और समझ भी चुके थे क्योंकि इसी परिभाषा का यूज़ करके हमें सीखना था यानी करना है आगे चल के तो ये हम पढ़ भी चुके थे ये भी आप पढ़ चुके हो इसमें आपको कोई समस्या नहीं है आज हमें उसी से थोड़ा सा आगे और बढ़ना है कि यूकिलिड ने क्या बताया था कि परिभाषा यूक्लिड ने कैसे क्या बताई थी वो आप अच्छे से पढ़ भी चुके हो बिंदु को रेखा किसे कहते कैसे कहते हैं पृष्ठ कैसे कहते हैं ठोस कैसे कहते हैं वो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया था वो अच्छे से समझ चुके हैं अब इन्हीं को इन्होंने कुछ और बताया उसको पढ़ते और समझते इन्होंने कहा अपनी इन परिभाषाओं यानी जो परिभाषा हुई के प्रारंभ करते हुए यूक्लिड ने कुछ गुणों को बिना सिद्ध किए सत्य कथन मानने की कल्पना की मतलब इन्होंने जो परिभाषा बताई उसको बिना सिद्ध किए यानी उन्होंने सिद्ध नहीं किया लेकिन उसको सत्य मान लिया तो वही इसमें कहा गया योग ने कुछ गुणों को बिना सिद्ध किए यानी सिद्ध भी नहीं किया और सत्य कथन मान लिया और इसी कल्पना की और ये कल्पनाएं क्या हुआ कि अगर देखा जाए तो ये कल्पनाएं वास्तव में अस्पष्टया सर्वव्यापी सत्य थे यानी इन्होंने यूक्लिड ने जो अपनी परिभाषाओं में कुछ चीज़ बताया था उसको उन्होंने सत्य मान लिया यानी कल्पना की उसको सत्य मान लिया लेकिन वास्तव में जब देखा यानी अनगढ़ तज्ञ ने देखा या आपको देखेंगे तो वो वास्तव में ही सत्य मिल गए ऐसा नहीं था कि उसको प्रूफ नहीं दिया इन्होंने तो जैसे अभी हमने कहा था रेखा कहा था तो रेखा इन्होंने बताया था बिंदु बताया था या पृष्ठ बताया था ठोस तो इसकी कोई परिभाषा इन्होंने नहीं दिया कोई प्रूफ नहीं दिया बस परिभाषा बता दिया तो वो सत्य सत्यहीन हो गई और वास् तो में ही सत्य है। और क्या कहा सर्वव्यापी यानी यूनिवर्सल है यानी हमेशा के लिए सत्य है, इसमें कोई कुछ नहीं कर जैसे एक चीज आपको सत्य होने का मतलब है अगर आप पढ़े होंगे कि सूर्य एक फोकस पर होता है और इसके चारों ओर क्या करती पृथ्वी परिक्रमण करती यही जानते हो ना ये तो सत्य है ना

तो सबसे पहला क्या कहलाता है एक अवगृहित और दूसरा क्या है अविधारणा यानी इन्होंने जो अपनी परिभाषाओं में सत्य दिया सत्य मानते हुए उसका मान लिया लेकिन प्रूफ नहीं दिया तो उसी को दो बात है इसमें एक अवगृहित और दूसरी अविधारणाएं क्या होती है अब इसी को हम समझते हैं अवगृहित और अवधारणाएं क्या होती है तो या तो समझ में आ गया कि हमने यूक्लिड ने जो परिभाषा दी थी कुछ पर इन्होंने परिभाषाओं को ही देते हुए में, दूसरी में। फिर आगे देखते हैं अब अवगृहित क्या होते हैं क्योंकि इन्होंने दो बांटा दो वर्गों में बांटा जब दो वर्गों में बांटा तो अवगृहित क्या होते हैं और अवधारणाएं क्या होती है तो अवगृहित कल्पनाएं यानी इन्होंने जो वो कल्पनाएं थी जिन्हें निरंतर गणित में प्रयोग किया जाता है मतलब में या से संबंध था देखो तो कह रहा ज्यामिति से विशेष संबंध नहीं था मतलब इन्होंने जैसे यूक्लिड को हम जानते हैं कि इन्होंने ज्यामिति के लिए ही पूरा बताया लेकिन इन्होंने जामित सबके लिए बताया सबके लिए यूनिवर्सल वही कहा कि ऐसी कल्पनाएं जिनके निरंतर गणित में प्रयोग होते हैं लगातार गणित में उसका प्रयोग भी हो रहा है और वो क्या जिनका केवल ज्यामिति से विशेष संबंध नहीं है कि उसका ज्यामिति से ही संबंध है यानी गणित में अगर हम जोड़ने में कहीं संख्या प्रयोग करते हैं जैसे सिंपल सा अगर ए प्लस ए बराबर बी है और हम मान लें बी बराबर सी होगा तो आप बताओगे ए बराबर क्या होगा सी होगा तो ये क्या है अंगणित तो है अंगणित में देख लें बीच गणित में देख लें तो ये डायरेक्ट प्रयोग इन्होंने यह नहीं किया कि ज्यामिति में प्रयोग किया तो इन्होंने क्या किया ऐसे प्रयोग जो गणित में लगातार प्रयोग हो रहे हैं तो उसका विशेष संबंध ज्यामिति से नहीं है तो हम निरंतर प्रयोग तो उन्होंने इसको क्या कहा अवगृहित कहा ठीक है यानी जिसका गणित में लगातार अंगणित बीज गणित और ज्यामिति में भी प्रयोग हो रहा है तो वो तीनों में प्रयोग हो सकता है तो उसको क्या कहा अवगृहित कहा लेकिन अभिधारणा किसको कहा कि वे अभिधारणाएं कह रहा है उन्होंने अवधारणा शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया जो विशेष रूप से ज्यामिति से संबंधित हो यानी अविधारणा का प्रयोग वही किया जहां ज्यामिति का यूज किया जाता है यानी ज्यामिति का मतलब हो गया जो हम रचना करते हैं या मकान के मापने या क्षेत्रफल मापने के लिए करते हैं उस सब के लिए इन्होंने क्या किया ज्यामिति के लिए तो अभिधारणा केवल किसके लिए ज्यामिति के लिए ही बनाया था लेकिन अवगृहित उसको माना जो गणित में हमेशा क्या निरंतर प्रयोग होती है उसको अवगृहित माना और ज्यामिति में प्रयोग हुआ उससे कोई विशेष संबंध नहीं कि हमेशा प्रयोग होगा ही लेकिन अवधारणाएं क्या होंगे हमेशा जो प्रयोग होंगे वो ज्यामिति में प्रयोग हुए तो ये अवधारणा हो गई और क्या होगा गया अवगृहित हो गया तो आप अच्छे समझ चुके होंगे तो चलिए अब इनकी अवधारणाएं पढ़ते हैं कि इन्होंने अवधारणाएं क्या दी और गृहित किया दिया हुआ बहुत आसान सा है। बस इनके को समझना है और भी हो बट आपको नहीं मालूम जैसे हम कुछ चीज प्रयोग करते लेकिन उसको नहीं जानते जैसे हमने संख्या पद्धति में आपको बताया था संख्या तो आप जानते हो वन टू थ्री फोर फाइव माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री जीरो सब जानते हो लेकिन नेचुरल नंबर नहीं जानते क्यों क्योंकि आपको बताया ही नहीं गया तो अगर हम आपसे बताएं कि गिनने के लिए जो संख्या प्रयोग करी जाती है वो प्राकृतिक संख्या वन टू थ्री फोर पर पूर्ण संख्याएं बताए थे जीरो वन टू थ्री तो आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आ चुका है अब उसी को हम इसमें पढ़ रहे हैं अपगृहित तो अपगृहित भी जानते हो लेकिन आप कैसे यूज किए हो उसका यूज भी किए हो लेकिन कोई वहां पर सटीक इससे जानकारी नहीं थी अब उन्हीं को पढ़ते हैं और समझते हैं कि अवगृहित क्या होता है और इनके प्रत्येक पॉइंट को समझते हैं और लिखते चलते हैं। तो हम इसका आप इसकी शॉर्ट अगर लेना चाहो तो ले लीजिए चले तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इनकी अवधारणाओं को पढ़ते हैं और इस वो अवगृहित को पढ़ते हैं और समझते हैं चलो इनकी पहले अपगृहित क्या है पढ़ो और समझो यदि दो यदि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है यानी कह रहा है एक वस्तु वे वस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती सपोज कर लीजिए जैसे हमने कहा अभी एक ले लिया ए बराबर बी हो गया ठीक और बताइए बी बराबर सी है यानी वे वस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर होती है देखो ए के बराबर बी है और बी के बराबर सी है तो आप देखोगे क्या लिख सकते हो कि नहीं इससे एक निकल के आएगा ए के बराबर बी है तो ए के बी के स्थान पे क्या रख दे ए तो ए बराबर सी आएगा कि नहीं यही तो इन्होंने कहा कि अगर दो रेखा ऐसे रेखा मान ले ए और कितना है ये B, B है और एक रेखा मान ले सी डी अगर आपसे कहा जाए कि ए बी बराबर कितना है बी सी है और कह दिया जाए कि बी सी बराबर क्या है सी डी है तो आप देखोगे कि इसमें अगर बी है तो अगर इसको रख दिया जाए तो आपको क्या निकल के आएगा यही तो कहोगे कि ए बी बराबर सी डी तो हम प्रयोग कर सकते हैं ना ये चीज़ उन्होंने कहा हम कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर एक दूसरे के बराबर होती हैं चाहे जैसी वस्तु तो ए के बराबर बी है बी के बराबर सी है इसलिए ए बराबर क्या दे देगा सी दे देगा ये इनका कॉन्सेप्ट था तो आसानी से आपको समझ में आ चुका होगा कैसे तो इसका प्रयोग भी आप किए होंगे बट आपको नहीं मालूम होगा चलिए फिर इसको रफ करके हम अगला पढ़ते हैं देखिए इसको रफ आप करते हैं अब आपको पहला तो समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं होगी चलिए सेकंड पढ़ते हैं दो नंबर दो नंबर क्या करा इसको पढ़िए यदि बराबरों को बराबरों से जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है मतलब यदि दो वस्तुएं आपस में बराबर हैं तो उनमें कोई वस्तु जोड़ते हो तो वो पूर्ण भी बराबर हो सिंपल सा एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर रहा हो ए बराबर बी रहा हो ठीक A बराबर बी रहा हो तो ये दोनों आपस में बराबर है तो बराबर को बराबरों में जोड़ते हैं मतलब दोनों तरफ बराबर है अगर इसके तरफ क्या करो कुछ पद जोड़ दो जैसे कि हमने यह ऐसे कर दे कि सी बराबर डी है सी बराबर डी है तो आप ये करो और इन दोनों को क्या करो जोड़ दो तो दो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड है तो ये बराबर है और ये इसके बराबर है अब बराबरों को बराबर के साथ जोड़ोगे तो सदैव बराबर होंगे मतलब अगर हम जोड़ दिया ए प्लस सी बराबर कितना होगा बी प्लस डी हो जाएगा कि नहीं यही तो कह रहा है कि बराबर के साथ अगर ये दोनों आपस में आप बराबर थे तो इन दोनों को जोड़ा तो आपस में क्या होंगे बराबर होंगे या ऐसे भी समझ सकते ए बराबर बी है अगर ये दोनों आपस से बराबर हैं इसमें वन जोड़ो इस साइड और इस साइड भी क्या करोगे वन जोड़ो तो आपस में क्या बराबर तो होंगे एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं गिनती तो देखो टू अगर बराबर टू हो ये आपस में बराबर है अब दोनों तरफ तो एक जोड़ो तो कितना होगा कहोगे कि टू प्लस वन और इधर जोड़ेंगे तो टू प्लस वन बराबर कितना हो जाएगा थ्री तो ये क्या 3 थ्री आपस में बराबर है ना और आप ऐसे समझ सकते हो टू बराबर टू और थ्री बराबर थ्री अगर इनको जोड़ो दोनों को आपस में इसके साथ ये इधर के साथ तो टू प्लस थ्री और टू प्लस थ्री तो जोड़िए तो कितना होगा फाइव तो इसका पूर्ण भी तो बराबर आया तो यही तो इसमें कहा है कि इन्हें अगर बद्दो बराबरों को बराबरों के साथ जोड़ा जाता है तो उसका पूर्ण भी क्या होगा बराबर होगा तो यही चीज़ हमें लिखना था तो हमने आप दिखा दिया आपको समझ में भी आ चुका होगा क्योंकि यही चीज़ आगे चल के हमें प्रयोग करना है कि इनके कैसे पूर्ण और आपस में बराबर होंगे तो ये आपको सेकंड नंबर समझ में आगा चलिए थर्ड नंबर की ओर बढ़ते हैं तीसरा तीसरा क्या कह रहा है कि अब इसको ऊपर कर देते थोड़ी सी हमें जगह मिल जाए हम्म यदि बराबरों को बराबरों से में से घटाया जाए तो शेषफल फल भी बराबर होता है यानी बराबर को बराबर में से घटाओगे तो क्या होगा शेषफल फल भी बराबर होगा सपोज कर लीजिए सेम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ए बराबर बी और सी बराबर डी हो लिया हम इनको दोनों घटा दें यानी फर्स्ट और माइनस क्या करें सेकंड ये फर्स्ट है और ये क्या है सेकंड है तो देखो a माइनस सी बराबर कितना b माइनस डी तो ये भी आपस में क्या कह रहा है बराबर होगा यानी बराबर में से बराबर को घटाओगे तो क्या होगा वो बराबर ही आएगा हम ऐसे ले लेते हैं जैसे a बराबर बी है अगर इसमें घटाएंगे a माइनस वन तो इधर भी क्या कर देखो बराबर में बराबर में इधर भी माइनस वन इधर भी माइनस वन तो आपस में ये आपस में बराबर था इसलिए बराबर है चलो नंबर को लेकर आओ समझ लेते हैं कि आपको कहा टू बराबर टू है ये ऐसे बड़ा नंबर लेते हैं कि फाइव बराबर फाइव है और बताइए टू बराबर टू है दोनों आपस में बराबर है दोनों को घटाओ अगर फाइव माइनस टू और ये हो जाएगा फाइव माइनस टू तो बताइए कितना हो जाएगा थ्री बराबर थ्री यही तो इन्होंने कहा कि बराबरों में से बराबर को घटाओगे तो जो आपका शेषफल होगा वो आपस में बराबर होगा तो देखो ये आपस में बराबर था जब ये बराबर था तो हमने घटाया तो देखो तीन बराबर तीन होगा यह हम ऐसे ले लिया कि फाइव बराबर फाइव इसमें अगर एक घटाओ इस राइट तो राइट तो साइड भी तो एक घटाओगे तो अगर एक घटाएंगे तो पांच में से एक घटा दीजिए कितना आ जाए चार तो ये कितना आ गया चार आ गया तो दोनों साइड यही चीज इन्होंने कहा अगर कोई भी पद हो चाहे जैसा हो अगर लेफ्ट में दोनों सेम है तो लेफ्ट में जो प्रक्रिया करोगे वो राइट में भी करोगे तो उसमें मान में कोई चेंजिंग नहीं होती आप बहुत पहले भी जान चुके हो और जानते भी हो तो ये इन्होंने कॉन्सेप्ट को उसी बताया ये वास्तव में आपस में क्या थे सत्य थे चलिए तो ये आपको समझ में आ गया फिर आगे हम बढ़ते हैं अगले के लिए कि तीसरा टॉपिक आपको समझ में आ गया इनकी तीसरे अवगृहित फिर अगला पढ़ते हैं चौथा अवगृहित चौथा क्या कहता है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है यानी वे वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के क्या है संपाती है एक दूसरे के संपाती है वो आपस में क्या होंगे बराबर होंगे चाहे जैसी वस्तुएं हैं जैसे संपाति है का मतलब एक वस्तु इससे हो गई ए के ऊपर दूसरी वस्तु ऐसे चली गई तो एक दूसरे के संपाति अगर ए भी मान लिया जाए और ये क्या हो सी डी हो तो कहोगे ए बी ए बी बराबर क्या होगा सी डी हो जाएगा ये चीज इसमें कह रहा है कि अगर ए बी बराबर एक दूसरे के संपाती है संपाति मतलब एक दूसरे के ऊपर चले जाए जैसे एक रेखा अगर हमने खींचा सपोज कर लीजिए एक रेखा ऐसे खींचा और थोड़ी सी मोटी खींच देते हैं एक रेखा ऐसे खींचा और दूसरी रेखा इसी के ऊपर खींच दे जब दूसरी रेखा इसी के ऊपर खींच दे तो आपस में क्या एक दूसरे के बराबर होगी तो इन्होंने कहा वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती है एक दूसरे के बराबर हो सिंपल सा अगर हम ले लें कि आप ऐसे देखोगे एक यहाँ पे ये यह ऐसे ले लिया एक वस्तु हो गई इसी के ऊपर दूसरी वस्तु रख दिया जाए तो दूसरी वस्तु रखने का मतलब है कि हमने ऐसे दूसरी वस्तु इसके ऊपर रखा जब रखा तो ये इसके बराबर होगी कि नहीं संपाती है तो संपाती बराबर होती सिंपल सा अगर पेज देखते हो ये कापी बुक है ये पहला पेज इसके ऊपर बराबर है आप देखते हो कि दूसरा पेज भी उसी के क्या होता है बराबर होती है तो एक दूसरे के ऊपर जब एक दूसरे के ऊपर होने तो वही इसमें कह रहा है क्या होता है है तो संपाती होने पर आपस में बराबर होंगे चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं यानी इन्होंने पचवा अगला अपगृहित क्या कहा पंचवा अपगृहित क्या ये भी कहा कह रहा पूर्ण अपने भाग से सदैव बड़ा होता है पूर्ण का मतलब कोई ले लिया जाए तो अपने भाग से बड़ा होगा मतलब जैसे हमने क्या ले लिया ए ले लिया ये क्या है पूर्ण है अब ए को भाग करो ए बाई टू कर दिया तो बताइए कौन बड़ा आप यही तो कहोगे सदैव बड़ा होगा एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं अगर हमने सिक्स ले लिया ठीक है आप सिक्स को टू से दो भागों में बांटो तो दो भागों में बांटो तो बताइए कितना होगा दो त्याई ये कितना तो बताइए छ बड़ा का या तीन तो आप कहोगे छे बड़ा तो यही इन्होंने कहा कि अगर पूड़ो सिंपल सा अगर हम रेखा ले ले, एक रेखा ले लिया इसको क्या कर दिया दो भागों में बांटा अगर दो भागों में तो बताइए यहां से ए बी और सी था तो ए बी और किस में बटा बी सी में बटा तो ए सी देखो बड़ा होगा किस से ए बी से होगा बड़ा होगा ए सी जो बड़ा है ए बी से और भी तो होगा बी सी जो है वो ए जो बड़ा है वो किससे से बीसी से तो यही इन्होंने कहा जो पूर्ण अपने भाग से सदैव बड़ा होता है कि मतलब कोई भी ले लिया जाए नंबर हो चाहे रेखा हो अगर उसको हम बांट रहे हैं तो उस क्या होगा पूर्ण जो होगा वो सदैव क्या हो बड़ा ही होगा चलिए पाँचवा आपको समझ में आ गया इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है बस इन्होंने एक थ्योरी ब दिया और कुछ नहीं दिया इसी थ्योरी को समझ के आगे क्वेश्चन मिलेगा उसको सॉल्व कर चलिए छठवा नंबर देखते हैं इन्होंने छः नंबर क्या कहा एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते चलिए एक वस्तुओं के दुगने आपने ए बराबर बी ले लिया ले लिया ना जब ए बराबर बी ले लिया इसका दुगुना करो तो कहोगे टू ए और ये कितना टू बी तो आपस में बराबर होगा टू ए बराबर कितना टू बी तो आपस में बराबर है सही है एग्जाम्पल के रूप में समझ लो अगर हमने कहा कि फाइव बराबर फाइव तो ये फाइव था इसका दुगना कर दो तो कितना हो जाएगा टू इंटू फाइव तो ये कितना होगा टू इंटू फाइव तो पान धुनी कितना दस और पान धुनी दस तो देखो आपस में बराबर है कि नहीं तो यही तो इन्होंने कहा हम कि एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं तो एक वस्तु तो ये दो अपना बराबर था ये बराबर था लेकिन उसको हमने दुगना कर दिया तब भी तो वो बराबर है ये चीज ये समझा रहे हैं ये चीज को हमें समझ के और आगे आने वाले क्वेश्चन में यूज करना है चलिए नेक्स्ट फिर सीखते हैं अगला सेवन नंबर इनका लास्ट अपग्री थे एक वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते जैसे ए और बराबर कितना था बी था ये आपस में बी था ठीक है हम इनको आधा कर दे आधा करने का मतलब दो से भाग कर दे तो ए बाई करोगे और बी बाई करोगे तब भी ये बराबर ए बराबर B था अगर उसको क्या कर दे आधा कर दे यानी किसी नंबर से भाग कर दे तो आपस में बराबर हो गए चलिए हम देखते हैं ये दस था बराबर दस था आपस में कहोगे दस दस बराबर होगा अब दस को दो से डिवाइड करो तो ये टेन बाई टू हो जाएगा और ये कितना टेन बाई टू दो पंचे दस होगा और इसको भी दो पंचे कितना दस हो जाएगा तो फाइव बराबर कितना हो? फाइव हो गया ऐसे कोई भी नंबर ले लें हमने कहा पचास ले लिया इक्वल कितना पचास होगा इसका आधा करो तो पचास बाई टू और पचास बाई टू हो जाएगा अब भाग करो तो ये कितना 25 आएगा भागफल और ये भी कितना पच्चीस तो आप कहोगे बराबर हो जाएगा तो यही इन्होंने कहा एक वस्तुओं के बराबर के आधे बराबर आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं तो जहा जैसा आपको मिले तो इनके क्या थे अपगृहित थे तो अपगृहित को हमें आगे चल के जब मिलेगा तो उसको यूज करेंगे और इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसी को यूज़ करेंगे तो याद करने से ज्यादा दो तीन बार जब प्रयोग करोगे तो आपको आ जाएगा। अब आगे हम पढ़ते हैं अविधारणाएं केवल ज्यामिति के लिए प्रयोग किया, तो कि किया गया लेकिन जो अवगृहित थी वो गणित में प्रत्येक जगह और ज्यामिति में भी उसका प्रयोग किया जाता है चलिए अवधारणाएं पढ़ते हैं अवधारणाएं का एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक केवल एक सीधी रेखा खींची जा सकती है चले इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए तो इन्होंने जैसे कहा उसी को हम यूज कर लेते हैं अवधारणाओं में कहा कि पहली अवधारणा इनकी क्या है ये कहा एक बिंदु से आपको एक बिंदु मिल जाए सपोज कर लीजिए ए फिर कहा एक अन्य बिंदु सपोज कर लिया बी मान गया तो यह बी प्राप्त हो गया कह रहा है बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है तो आप रेखा खींच सकते हो ना इसमें कोई आपके लिए ऐसी बड़ी बात है नहीं हमने इस बिंदु से तो बताइए क्या और कोई रेखा खींच सकते हो नहीं ये कहा कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक केवल एक सीधी रेखा खींची जा सकती मतलब अगर दो बिंदु हमें मालूम है तो दो यहां से एक ही रेखा खींची जा सकती है इसी पर एक अपगृहित निकल के आता है तो अपगृहित क्या 5.1 हो जाएगा यानी उसी में जब हमने अवगृहित पढ़ा था उसी में एक निकल दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है मतलब अगर आपको दो भिन्न बिंदु मालूम हो जाए सपोज कर लीजिए एक बिंदु ए मालूम हो गया दूसरा बिंदु सी मालूम हो गया तो आप बताइए इससे कितनी रेखा ओनली वन अर्थात केवल एक रेखा खींचे जा सकते और कोई रेखा नहीं खींचे तो ये क्या अपगृहित है क्योंकि इसको हम गणित में भी कहीं कहीं यूज कर लेते हैं जहां मिलता है में तो आपको यह भी मालूम है दो बिंदुओं से केवल क्या है? एक रेखा खींची जा सकती वही इन्होंने कहा दो भिन्न बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती अर्थात अद्वितीय रेखा खींची जा सकती और कोई रेखा नहीं खींच सकते क्यों अगर आप देखोगे इससे अगर हम खींचने कोशिश भी करते हैं तो हमारे पास नहीं खींचेगा गए ये अगर होके जाए इससे खींचोगे इधर जाएगी या आप खींचोगे तो कहीं और इससे चली गई या ऐसे चली गई इधर से खींचेंगे तो आप देखो ऐसे जाएगी और फिर ऐसे गई लेकिन उस बिंदु से होकर नहीं ऐसे नहीं होकर जा रही है तो केवल क्या कर एक ही रेखा खींच सकते हैं तो इन इनकी क्या थी पहली अवधारणा थी चलिए इसको आपको समझ चुके होंगे यही हमें आगे प्रयोग करना है फिर दूसरी अवधारणा पढ़ते हैं टू नंबर एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है मतलब कोई एक शांत रेखा मिल जाए सपोज कर लीजिए एक रेखा ऐसे मिल गई अब इसको आप बढ़ा सकते हो कि नहीं बढ़ा सकते हैं ना कोई रेखा मिल जाए तो एक रेखा आपको मिल गई ए और बी तो इसको कोई ऐसा तो रेखा है तो रेखा को आप बढ़ाना चाहो तो देखो एक सेकेंड अगर रेखा को बढ़ाना चाहे तो ऐसे हम बढ़ा सकते हैं लेफ्ट साइड में राइट साइड में क्या करें अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं ना रेखाएं है, दोनों तरफ बढ़ सकती है तो यही कहा एक शांत रेखा टर्मिनेटेड लाइन को अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते चाहे लेफ्ट साइड बढ़ाओ चाहे राइट साइड बढ़ाओ तो आराम से आप बढ़ा सकते हैं तो ये भी आसान सा है आप हमेशा रेखाओं को बढ़ा सकते हो चलिए इनकी तीसरी अवधारणा क्या है इनको पढ़ते हैं और अच्छे समझते हैं किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या के एक वृत्त खींची जा सकती है सपोज़ कर लीजिए एक केंद्र हमने मान लिया अब हम क्या करते हैं एक प्रकार ले लें तो प्रकार लेकर उसको क्या कर सकते हैं एक सर्किल को खींच सकते हैं तो हमने क्या किया इस केंद्र के इसको नोक पे रखा और नोक पे रखने के पश्चात इसको हम अगर थोड़ा सा और बढ़ा लें अब इसके बाद देखो आप ऐसे कोई भी सर्किल आसानी से क्या कर सकते हो खींच सकते हो खींच लिया कि नहीं और दूसरा केंद्र मान लें तो अगर हम दूसरा केंद्र ऐसे मान लें तो इसको ले जाकर कि यहाँ पर नोक को रखिए और चाहे इसका आर क्या कर लो थोड़ा सा छोटा करना चाहो तो छोटा कर लो तो लो हमने छोटा कर लिया अब इसी को ऐसे हम क्या कर सकते खींच सकते हैं ना तो यही चीज इन्होंने कहा कि, कि किसी को केंद्र मान के केंद्र मानो और किसी त्रिज्या का त्रिज्या चाहे छोटी ले चाहे बड़ी ले उससे हम क्या कर सकते हैं सदैव इसका क्या कर सकते हैं एक वृत्त खींच सकते हैं तो खींचना आपको आसान है चलिए ये पढ़ लिया फिर और इसके आगे पढ़ते हैं चौथी ऑप्शन सभी सम कोड एक दूसरे के बराबर होते हैं ये तो सिंपल सा है कोई सम कोड ले लिया इसमें सपोज कर लो हमने ऐसे सम कोड ले लिया कि ये सम कोड हो गया नाइन्टी अंश का कोड हो गया अगर दूसरा सम कोड ऐसे है तो ये नाइन्टी अंश का है या हमने ऐसे ले लिया इस तरफ का तो ये सम कोड बराबर है या हमने ऐसे ले लिया तो ये जो समकोण होते हैं ये एक दूसरे के क्या होते हैं बराबर होते हैं यानी नाइन टी का एंगल कैसे भी बनाया जाए वो हमेशा क्या होगा बराबर होगा इनका यही कहने का मतलब था तो बस ये हो गया इसको रफ कर देते हैं फिर इसके बाद क्या करते हैं हम आगे चलते हैं लास्ट अवधारणा इनकी थोड़ी सी टिपिकल है लेकिन आपको समझना जरूरी है तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और फिर इसके बाद इनकी अवधारणा को समझते हैं इन्होंने क्या कहा पंचवी अवधारणा यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर यानी एक सीधी रेखा हो दो सीधी रेखाओं पर गिरकर गिरकर अपने एक ही ओर अंता कोड़ इस प्रकार बनाए कि बनाए कि कह रहा है कि दोनों कोड़ों का योग मिलकर दो समकोण तो दो समकोण का मतलब आपको मालूम होगा क्या होता है दो समकोण दो समकोण का मतलब क्या होता है एक समकोण आप जानते हो क्योंकि आपको मालूम होगा पीछे एक समकोण क्लास में आप पढ़ के आए होंगे 90 डिग्री तो दो समकोण का मतलब कितना है एक समकोण तो 90 डिग्री तो ये कितना हो जाए 180 डिग्री तो यही कह रहा है कि योग मिलकर दो समकोणों से कम हो तो वो दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर कह रहा है कि उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग समकोण समकोणों से कम होता है मतलब दो समकोणों से कम होता है तो आपको नहीं समझ में आओगे चलिए इनको हम समझते हैं और आसानी से बनाते हैं देखो दो रेखा चली जाए एक रेखा ऐसे चली गई और दूसरी रेखा ऐसे चली गई ये दो रेखाएं होंगे ठीक दो रेखाओं पे एक तिरियक रेखा चली जाए चलिए एक तिरियक रेखा भेज देते हैं हमने एक ऐसे तिरक रेखा भेज दिया ये हो गया तो आप जानते हो अगर रेखा का नाम लिख दें ये ए हो जाए और ये क्या हो जाए बी हो जाए ये सी हो जाए ये डी हो और इसको क्या मान ले ई e मान ले इसको क्या मान ले एफ मान ले तो आप देखोगे यही कह रहा है यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिर कर तो ये दो सीधी रेखाएं ऐसे जा रहे इनको गिर कर एक ही और दो अंताकोड़ तो एक ही और दो अंताकोड़ अगर आप देखोगे इस तरफ अंतः कोण कितना है? एक बना ले और इस तरफ क्या दो बना ले और इस तरफ कितना है? तीन बना ले और इस तरफ कितना चार बना ले तो अगर हम इनके दोनों कोड़ों का योग मिलकर कह रहा है कि समकोण से कम हो तो अब देखो समकोण के लिए भी हमने एक बताया था आपको उसका समकोण मिलता है तो वो सीधी रेखा है एक ऐसे मिलेगी और दूसरी कैसे मिले ऐसे मिलेगी तो इस तरह अगर मिलती है तो इनका कोण कितना 90 डिग्री यही तो कहोगे अब आप देखो तो अगर थोड़ा सा सीधी चली जाए तो नाइन्टी से बड़ा होगा यही तो बड़ा होगा तो आप देखोगे जरूर कहोगे इस तरफ का कोण क्या है नाइन्टी से कम है अगर हम जोड़ें कोण एक और प्लस कोण दो जोड़ो तो ये कितना होगा समकोण से देखो कम होगा कि नहीं ये कहोगे 180 से कम होगा क्यों क्योंकि यहाँ पर ये रेखा ऐसे मिली है तो अगर हम देखें इस रेखाओं को तो ये रेखाएं कैसी होनी चाहिए अगर यहाँ से सीधा ये रेखाएं जो होनी चाहिए सीधी होनी चाहिए थी लेकिन सीधी ना हो के इसकी तरफ थोड़ा सा झुकी हुई है ये तो कह रहा जिस तरफ झुकी हुई है यही कहा दो अंतर कोड़ों हो इस प्रकार बनाए इनके दोनों कोड़ों को योग मिले में का दो समकोणों से कम हो तो सीधी रेखा अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर तो ये देखो 180 यानी दो समकोण से कम है इस तरफ जब इसको तो कम है तो अगर आप इस तरफ बढ़ाओगे तो बताइए ये जाके कहा मिलेगा ये से हम इसको बढ़ाते हैं ये हमने बढ़ा दिया और दूसरी वाली रेखा को फिर इसको ऐसे बढ़ा लेते हैं ये बढ़ गई तो अब बताइए ये दोनों रेखाएं कहाँ मिल रही मिली कि नहीं यहां अगर मान लें इसको H तो यही तो कहा गया कि यदि दो रेखाएं हो एक दूसरे से जा रहे हैं सीधी एक तीसरी रेखा है उस पे अंता मतलब इन दोनों अंता के अंदर कोण तो ये देखो अंदर कोण बने हैं इनके तो इनके कोणों का को योग 180 से डिग्री से कम हो या दो समकोण से कम हो तो ये उसी तरफ जाके यानी उसी ओर क्या करेंगी अनिश्चित रूप से कहीं ना कहीं मिल जाएंगी तो ये देखो मिल गई और ये क्या होगा इसकी तरफ नहीं मिलेंगी जिस तरफ क्या होगा कोण एक सौ अस्सी अंश से अधिक होगा तो इस तरफ देखो कोण तीन और प्लस कोण चार ले लिया जाए तो इसका मान कितना होगा एक सौ अस्सी अंश से ज़्यादा होगा तो इस तरफ नहीं यानी जिसका मान क्या होगा एक सौ अस्सी अंश से कम होगा वही तरफ आकर मिलेंगी तो इनके पाँच अवगृहित थे और इस नहीं है फिर इसके बाद हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है कि इनमें पांचों अपग्रिद को हमने पढ़ लिया बस इतना ही पढ़ते हैं और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको अच्छे इसके एक्सरसाइज लेकर और कुछ इनके परमीय हैं उनको लेकर मिलते हैं आप मेरे साथ जुड़े रहे अच्छे से पढ़ते रहिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच